और इसी बात का, बड़ा आदमी कौन है, उसके घर कोई आता ही नहीं है, सुबह बाई घंटी बजाती है, शाम को दूध वाला, बीच में कोई आता ही नहीं है। मेरे पिताजी मेरे घर आते हैं तो वो लोगों से कहते हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार ये आदमी ठीक है, इसके यहां 10 आदमी चाय पीते हैं, 20 आदमी खाना खाते हैं, 5 आदमी सोते रहते हैं, ये ठीक है। मैं जोशी जी से असहमत हूं जो कह रहे हैं कि पहले शिक्षा लाइए। शिक्षा तो लाइए, लेकिन हिंदुस्तान की दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वो किसने पैदा करी? आइए, शिक्षित लिखते हैं, अशिक्षित लिखते हैं और समस्या लिखते हैं। आइए, पहली समस्या बेरोजगारी किसने पैदा करी भाई? शिक्षित लोगों ने क्या? शिक्षित लोगों ने, शिक्षित लोगों ने। गांव में सबके पास रोजगार था, गांव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था। लकड़ी वाले के पास लकड़ी का काम था, जूते वाले के पास जूते का काम था, लोहे वाले के पास लोहे का काम था। सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे, सब एक दूसरे को अन्न दे रहे थे, सबका काम चल रहा था। आपने सुना गांव में कोई भूखा मर गया? नहीं मरा। ये शिक्षित लोगों ने पैदा की। प्रदूषण किसने पैदा किया? गांव में प्रदूषण देखा कभी? किसने पैदा किया? शिक्षित लोगों ने। इससे क्या तय होता है कि शिक्षा आपको कार दे सकती है, लेकिन लर्निंग आपको संस्कार दे सकती है। आपको तय करना है कि बिना संस्कार की कार लेनी है कि संस्कार सहित कार लेनी है। अधिकतम पूरी लड़ाई बिना संस्कार की कार लेने की है। यही कारण है कि हमने इस जीवन को कष्ट का साधन बना दिया है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है, जो यूरिया मिला रहा है उसको शर्म लिहाज नहीं है कि किसी की किडनी में जाएगा तो किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी की राखी सुनी हो जाएगी। उसके खुद के घर में भी बेटी है, उसके खुद के घर में भी पुत्र है। वो सोच के देखे कि मेरे पुत्र को अगर ये यूरिया किडनी फेल कर दे और मेरा बेटा मर जाए तो कैसा लगे? नहीं, वो सोच ही नहीं रहा। उसको लगता है 1000 रुपए फालतू मिलने, थोड़ा सा यूरिया मिला दो। सब्जी वाला यही कर रहा है आपके साथ, अफसर आपके साथ यही कर रहा है, सरकारें आपके साथ यही कर रही हैं, नेता आपके साथ यही कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस को लर्निंग का बनाया ही नहीं है, हमने इस पूरे प्रोसेस को शिक्षा का बनाया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिक्षित हो जाइए, पढ़िए, खूब पढ़िए, रिसर्च करिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, लेकिन लर्निंग सीखिए। कोई नासा नहीं गए थे वो गांव के लोग जो गौरैया को धूल में लेटते हुए बता देते थे कि आज पछुआ के साथ बादल आएंगे, उसने अनुभव से ये जाना था। तो इसका मतलब कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो अनुभव से ही आते हैं। महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, मातृशक्ति इस नगर का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोग कहते हैं ना बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चे के साथ एक और चीज पैदा हुई, मां पैदा हुई। उससे पहले वो भाभी थी, बेटी थी, बहन थी, मां नहीं थी। अब वो मां, अम्मा मां पैदा हुई है। मेरी पत्नी मेरी बेटी को डांटते हुए अक्सर कहती है, तू बनेगी ना मां, तब पूछूंगी तुझसे। उसको लगता है खराब बात है, अरे ये सही बात है, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ बेटी थी, सिर्फ वो पत्नी थी, सिर्फ वो बहन थी। जिस बार पहली बार उस शिशु ने आकर किलकारी भरी, उस दिन मां को पता चला कि मां हूं, मेरा बोध क्या है, मुझे जगना इसके अनुसार है, मुझे सोना इसके अनुसार है, मुझे इसका सब काम करना है। उस दिन से उसका बोध पैदा हुआ। तो जैसे आप ज्ञान के साथ यात्रा करते हैं, आपके मन में नई जिज्ञासा पैदा होती है, तो यकीन मानिए आप भी पैदा होते हैं, साथ साथ आप भी नए तरीके से पैदा होते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपको एकदम चेतना आती है कि यार क्या अद्भुत बात पढ़ी, तो यह मानिए कि थोड़ा सा जन्म आपका हुआ है। अब आपको तय करना है कि आपको अधूरा पैदा होना है कि पूरा पैदा होना है, आपको विकल दिव्य अंगों के साथ पैदा होना है कि संपूर्ण सुशोभित शरीर के साथ पैदा होना है। इसलिए पढ़िएगा तो यह सोच के मत पढ़िएगा कि यह पास करना है, यह सोच के पढ़िएगा कि मुझे यह जानना है, यह मेरी इच्छा है, यह मैं जानना चाहता हूं। अधिकांशतः हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इतना है, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, इससे जीवन आगे नहीं जाएगा। गांव में मैं गया तो वो एक गांव के प्राइमरी स्कूल की पहली दूसरी क्लास की अंग्रेजी की किताब देखी, आपने भी देखी होगी, उसमें लिखा हुआ था जी फॉर जेंटलमैन। तो सामने कुछ चीजें बनी रहती है ना, अम्ब्रेला बना हुआ है ना, बना रहता है सब, बी फॉर बैलून तो बैलून बना हुआ है, तो जी फॉर गर्ल एंड जेंटलमैन, तो एक लड़की बनी हुई और जेंटलमैन के नाम पर सूट पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ, मतलब खड़ा हुआ, यानी कि जेंटलमैन है, जिसने सूट पहना वो जेंटलमैन है। तो गांव के उस बच्चे को यह लगता होगा कि ये जो धोती कुर्ते में मेरा बाप है, ये जो खेत में जाता है गुरु, ये जेंटलमैन नहीं है। जेंटलमैन कौन है? जेंटलमैन पीडब्ल्यूडी का वो चोर क्लर्क है जो सूट में आता है रोज सुबह सुबह। यही तो हुआ। तो जेंटलमैन की परिभाषा क्या बनाई आपने? वस्त्र से बना दिया आपने, बच्चे के दिमाग में आरोपित कर दिया भाव कि जेंटलमैन होना मतलब कपड़े ऐसे पहनना। हमारी भी ब्रांड की टीम लोग कहते हैं कि ये क्या पहन लेते हो आप, आज ही कह रहा था ये क्या पहन लिया,
मैंने कहा मेरी कमीज सुनेंगे कि मुझे सुनेंगे?